नेक्स्ट हम चलते हैं डाइकस्ट्रा के एल्गोरिथम की तरफ। इसका भी वही सेम काम है कि हमने MST फाइंड करना है, कोई सर्कल ना बने, और ये है कि हर नोड को एक एक बार विजिट करना है, दो बार किसी नोड को विजिट नहीं करना और कोई नोड छोड़नी नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी टेक्निक जो है वो डिफरेंट है। टेक्निक डिफरेंट क्या है कि हम वहाँ पे सिर्फ हमारे जो एजेस थे उनकी कॉस्ट देख के हम आगे मूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है कि जितनी भी नोड्स को विजिट करते जाना है, हम पीछे जितना भी कंज्यूम करके आए हैं, एजेस की जो वेट है वो कंज्यूम करके हैं, वो सबको हम सम अप करते जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे, मैं स्टार्टिंग जो नोड ले रहा हूँ वो हमारे मेरे पास जो है ना वो नोड वन है। स्टार्टिंग यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से विजिट करके जाता हूँ यहाँ पे, ये वाला वे लेके जाता हूँ, तो मैंने इसको भी सम करना है, इसको भी सम करके यहाँ पे लिखना है टोटल के मैं कितना जो है पीछे हमारे कॉस्ट जो है वो कंज्यूम करके आया हूँ। तो हम लिखते जाते हैं इसके साथ। जैसे अब मैं स्टार्टिंग नोड हमारे जो है ना वो वन है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं अब इस पे वक्त वन के ऊपर हूँ। मैंने नेक्स्ट मूव करना है तो मैं वन पे हूँ, तो इस वक्त मेरी कोई कॉस्ट भी नहीं है, जीरो कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब हम देखेंगे कि वन से जो नेक्स्ट जितने भी रास्ते जा रहे हैं, तीन रास्ते जा रहे हैं, तो सेवन है जिसकी कॉस्ट टू की तरफ जाता हूँ, थ्री की तरफ जाता हूँ नाइन है कॉस्ट, और सिक्स की तरफ जाता हूँ जिसकी कॉस्ट फाइव है, सॉरी 14 है। तो मैं देखूंगा कि भाई कौन सी कॉस्ट जो है कम लग रही है, तो 7 इसमें कम है, तो मैं यहाँ से 1 to 2 की तरफ विजिट करूँगा, 1 to 2 की तरफ जाता हूँ, तो 2 पर पहुँचने के लिए मुझे जो कॉस्ट आई है वो आई है 7। मैं पीछे वाला देखूँगा कि मैं कितनी कॉस्ट लेके आया हूँ, 7 वाली कॉस्ट मैंने कंज्यूम की है, मैं 2 की तरफ पहुँचा हूँ, मुझे कॉस्ट 7 आई है। अब देखेंगे नेक्स्ट कि 2 से हम कहाँ किस तरफ जा सकते हैं। 2 से दो रास्ते बन रहे हैं, एक 3 की तरफ बन रहा है, एक 4 की तरफ बन रहा है। तो जो अगर 3 की तरफ देखें तो 7 मैं पहले कंज्यूम करके हूँ, 7 + 10 इज इक्वल टू 17 बनता है। 3 पर पहुँचने के लिए कॉस्ट पड़ती है मुझे, और 2 से मैं 4 की तरफ जाता हूँ तो 7 + 15 इज इक्वल टू 22, मुझे यहाँ पे 22 कॉस्ट बनती है। तो कम कॉस्ट कौन सी लग रही है, 17, तो मैं इसको प्रेफर करूँगा कि मैं 2 से 3 की तरफ मूव करूँ। तो 7 जो कॉस्ट मैं पहले से ले कंज्यूम करके आया था वो, और 10 जो नेक्स्ट मैं कंज्यूम करने लगा हूँ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 पर पहुंचने के लिए मुझे टोटल कॉस्ट आई है इस वक्त 17। तो 17 कॉस्ट बन गई। अब 3 से हम नेक्स्ट वे देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास एक तो 1 की तरफ जा रहा है जो कि हम विजिट नहीं कर सकते, हमने विजिट कर लिया है, और दूसरा जो जा रहा है मेरा 2 की तरफ हम विजिट कर चुके हैं। आगे जो दो रास्ते बन रहे हैं, एक तो जा रहा है 14 की तरफ, एक जा रहा है 2 की तरफ। तो अब देखेंगे कि अगर मैं 6 की तरफ जाता हूँ, 3 से मैं 6 की तरफ जाता हूँ, तो मुझे कॉस्ट 2 आती है, 17 + 2 इज़ इक्वल टू 19 बनता है, और इसी तरह से 3 से मैं 4 की तरफ जाता हूँ तो मुझे कॉस्ट 28 बनती है, 17 + 11 इज़ इक्वल टू 28, तो ये कॉस्ट बनती है। तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट 28 बन रही है, तो ये हम नहीं लेंगे, कम कॉस्ट बन रही है 19 6 की तरफ जो मूव करने के लिए। तो 17 मैं पहले कंज्यूम करके आया था, 2 मैं नेक्स्ट कंज्यूम करने लगा हूँ, तो 3 से मैं विजिट करूँगा 6 की तरफ, जो कि मेरी टोटल कंज्यूम बन रही है 19। तो अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 6 तक पहुँचने के लिए मुझे कॉस्ट जो आई है टोटल वो 19 आई है। तो इस तरह से देखेंगे कि भैया हमारे पास 6 नेक्स्ट वे कौन से जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वे एक तो 1 की तरफ जा रहा है जो कि हम विजिट नहीं कर सकते, दूसरा जो हमारे पास जा रहा है वो 5 की तरफ जा रहा है, इसकी जो कॉस्ट है वो 9 है, तो वही एक ही रास्ता है, तो हम वहाँ से मूव करेंगे। अब देखेंगे प्रिम्स इस डाइकस्ट्रा एल्गोरिथम के अंदर एक चीज़ है कि हमें ये दो बार बैक ट्रैकिंग का ऑप्शन देती है दो पॉइंट से। मीन कि अगर हम जैसे यहाँ पे मैं 6 पे पहुँच चुका हूँ, तो मैं बैक ट्रैक कर सकता हूँ दो नोड्स को, जैसे 6 से मैं अगर देखूँ कि मैं 6 से आगे ना जाऊँ पीछे आऊँ, तो पीछे मैं आ सकता हूँ, यहाँ से मैं बैक आऊँगा, बैक आने के लिए मैंने कितनी कंज्यूम कॉस्ट ली थी, 2 ली थी, तो 19 से मैं 2 माइनस करूँगा, 17 में पहुँचूँगा दोबारा, ये विजिट हो चुकी है लेकिन मैं वापस आऊँगा, मुझे ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं 17 पे आऊँगा, तो 17 पे आके मैं दोबारा अब देखूँगा नेक्स्ट जाने के लिए। तो 17 से मैं अगर नेक्स्ट 4 की तरफ जाता हूँ तो 28 कॉस्ट बनती है, लेकिन अगर मैं बैक ट्रैक ना करूँ, मैं 19 से +9 करूँ, तो मेरे पास कितनी बनती है, 28, यहाँ पर पहुँचने के लिए भी 28 बनती है, और ये वापस आने के लिए भी 28 बनती है। तो मेरे पास ऑप्शन है, अगर मैं वापस विजिट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, अगर ना करूँ तो भी मेरी मर्ज़ी है। ये अगर मैं वैसे रास्ता ले लूँ कि मैं बैक ट्रैक करके वापस जाऊँ, यहाँ पे 2 माइनस के 17 आया एक पॉइंट, मीन एक नोड मैंने बैक ट्रैक की, उसके बाद फिर दोबारा मैं बैक आऊँगा 2 की तरफ, दूसरी नोड मैंने कर ली, तो यहाँ से मैं दोबारा वापस नहीं जा सकता, बस यहाँ तक जा सकता हूँ। तो 17 - 10 = 7, 7 + 15 मीन 22 बनता है, तो दोबारा मुझे सारी नोड वापस आके फिर वापस वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब वहाँ से दोबारा अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो फिर मुझे वही कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ती जाएगी,
22 + 6 28 बनती है, तो मीन वही कॉस्ट मुझे सेम की सेम 28 ही बन रही है, तो इसलिए मुझे वापस आने की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर कॉस्ट कम बनती तो मैं वापस आ जाता, लेकिन कॉस्ट सेम बन रही है तो फिर मैं दोबारा क्या करूँगा कि वैसे ही चला जाऊँगा जैसे मैं जा रहा हूँ। तो मुझे 9 बन रहा है, 9 है यहाँ से एक ही रास्ता है 5 की तरफ जाने के लिए, तो मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ। तो 19 + 9 = 28, तो मैं ये वाला रास्ता लेता हूँ 28। मुझे 5 तक पहुँचने के लिए जो टोटल कॉस्ट आई है वो 28 आई है, तो मैं यहाँ पे पहुँचा, 28 बनी है। अब यहाँ से मेरे पास जो नोड इस वक्त बन रही है वो सिर्फ एक ही है जो 4 है, जिसको मैं या 3 से विज़िट कर सकता हूँ या 2 से विज़िट कर सकता हूँ या फिर यहीं 5 से विज़िट कर सकता हूँ। तो कम से कम कॉस्ट कैसे बनेगी मुझे, अब मैं यहाँ पे 5 पे हूँ, 28 कॉस्ट है लगा के आया, मैं 5 पे पहुँचा, तो यहाँ से मैं 6 की तरफ, 5 28 + 6 = 34 बनता है, 17 + 11 28 कॉस्ट बनती है। अगर यहाँ से वापस हूँ 7 + 15 = 22 बनती है, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ से 1 2 तीसरी नोड तक नहीं पहुँच सकता, मैं सिर्फ 2 का बैक ट्रैक कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से दोबारा वापस आऊँगा, 28 में से 9 माइनस गेट 19, 19 में से 2 माइनस 17, और यहाँ से फिर आगे मैं विज़िट करूँगा तो मेरे पास कॉस्ट बन रही है 28। तो मेरे पास 28 कॉस्ट बनी है, अगर यहाँ से आता तो 34 बनती, यहाँ पे आया तो 28 बनी है, यहाँ से 22 बन रही है। लेकिन मैं ये वाला रास्ता क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे पास जो कॉस्ट है वो फिर मैं 1 2 नोड मैंने बैक ट्रैक कर ली थी जो कि मुझे ऑप्शन है, तीसरी नोड में बैक ट्रैक नहीं आ सकता था, इसलिए फिर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो डाइकस्ट्रा एल्गोरिथम का यही वे है, इसी तरह से हम यहाँ से MST बना देंगे कि भी मेरे पास MST बना इस तरह से, यहाँ पर जाके फिर यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ से सीधा ऊपर, ये मेरे पास एक फ़ाइनल MST बनता है। तो इसका यही हमारे पास जो है डाइकस्ट्रा का ऑप्शन होता है बस।